नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भरतीन मनचंदा है और मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट यानी कि गठिया रोग विशेषज्ञ। ये हमारा यूट्यूब चैनल ABC सेंटर है और आज मैंने ये जो वेन्यू है, हमने आज बाहर का माहौल रखा है बिकॉज आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही विशेष है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ और गठिया ये बहुत ज़्यादा संबंधित है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे सर्दियों में गठिया बढ़ जाता है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सही है। सर्दियों में अधिकतर मरीज हमारे पास कंप्लेंट आते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द अचानक से बढ़ गया है। जो काफ़ी गठिया के मरीज काफ़ी समय से बहुत स्टेबल चल रहे थे, इन रिमिशन चल रहे थे, उनका भी गठिया अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। सुबह उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा अकड़ने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैरों में सूजन बढ़ जाती है और दर्दें वापस शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में कृपया अपने फिजिशियन या फिर रूमेटोलॉजी से संपर्क करें और अपने आप को गठिया से बचा के रखें। हो सकता है वो गठिया का लेवल बढ़ता जा रहा हो, गठिया वापस आ रहा हो। सो सर्दी से बचना ही मेन ध्यान रखने वाली बात है। और हो सकता है गठिया की थोड़ी सी दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़े या जो भी है, तो वो आप रूमेटोलॉजी से संपर्क करें और उस बारे में विचार करें। दूसरा, एक गठिया में हम एक रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक CTD कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या फिर मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर MCTD, इनमें देखा गया है कि एक रेनॉल्ड्स फिनोमिना करके एक परेशानी होती है जिसमें अधिकतर पेशेंट के हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां नीली और सफ़ेद होनी शुरू हो जाती हैं अक्सर ठंड की वजह से। ऐसे में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने मरीजों को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि उनको ठंड से बचने के लिए हमेशा ग्लव्स सॉक्स पहनते रहना चाहिए ताकि वो ठंड से बच सकें। ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाथ और पैरों की जो कसरत है, हाथ और जो पैरों का व्यायाम है, वो करते रहना चाहिए ताकि मूवमेंट होती रहे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो अगर हम ठंड का ध्यान देंगे तो हम गठिया से, अगर हम ठंड के बारे में समझ के चलेंगे तो हम गठिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर तकलीफें बढ़ती हैं तो हम अपने रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उस चीज़ को सेटल कर सकते हैं ताकि ठंड से हम बच सकें। तो मेरा आज का विचार यही है कि सर्दी से बच के रहें, अपने व्यायाम करते रहें, अपने बॉडी को गर्म रखें, ज़रूरत अनुसार कपड़े ग्लव्स सॉक्स पहनें, अपने हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, इन सब को बचा के रखें और समय अनुसार अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते रहें। धन्यवाद।